हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा चार ऐसे स्टॉक जो मेरी होल्डिंग में हैं। टेक्निकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, फंडामेंटल यहाँ पे काफ़ी अच्छा है और करंट मार्केट प्राइस से इन स्टॉक में एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी। लेकिन ये सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है जिसका पर्पज़ सिर्फ आपको सिखाना है, तो आप मेरे ट्रेड को कॉपी नहीं करेंगे। आप सिर्फ ये सीखेंगे कि अगर टेक्निकल और फंडामेंटल की आप समझ रखते हो तो स्टॉक मार्केट में पैसे बनाना कितना आसान है। सबसे पहला स्टॉक है बायोकॉन। बायोकॉन में जो मेरी पोजीशन है आप यहाँ पे देख सकते हो। इस स्टॉक को मैंने मल्टीपल टाइम अपने चैनल के ऊपर डिस्कस किया है क्योंकि मैं खुद एक ट्रेडर हूँ, मैं कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ जो आकर आपको हर दिन 10 मल्टीवैगर बताऊँ। इस स्टॉक को मैंने 8 महीना पहले जब मैंने पोजीशन बनाई थी आपके साथ डिस्कस किया था, उस समय इसका जो प्राइस था 277 था। हालांकि मेरी जो बाइंग थी काफ़ी पहले थी और मैं इस स्टॉक को कल भी ऐड किया हूँ, तो आप यहाँ पे जो T1 करके है इसका मतलब ये है कि एक दिन पहले इस स्टॉक को बाई किया गया है। अब इस स्टॉक को लेकर जो मेरा टारगेट है और वो है सबसे पहला ये 414 का और उसके बाद दूसरा टारगेट ये 480 का। अगर ये टारगेट अचीव हो जाते हैं और ये जो राउंडिंग बॉटम है जो मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ, ये डाउन ट्रेंड, ये एक्युमुलेशन और ये अप ट्रेंड, तो यानी जो लोग मेरी क्लासेस ले चुके हैं, जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि राउंडिंग बॉटम का जो ट्रिक मैं यूज करता हूँ उसके बेस पे मैंने यहाँ पे जो बाई किया था, तो यहाँ पे मेरा जो टारगेट है बहुत जल्दी अचीव होने वाला है। तो मैं इस स्टॉक को इस टारगेट के लिए, और एक बार जब ये टारगेट अचीव हो जाता है तो जो दूसरा टारगेट होगा वो क्या होगा, इसके लिए मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ और मैं तब तक इसको रखूंगा जब तक मेरा टारगेट अचीव ना हो जाए। दूसरा स्टॉक है IRCTC। इस स्टॉक में जो मेरी पोजीशन है वो आपके सामने है। इस स्टॉक को मैंने काफ़ी निचले लेवल से आपके साथ डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पे अगेन मेरी जो कन्विक्शन है अगर ये बता रही है कि स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा तो मैंने इसमें और फ्रेश बाइंग किया है। तो इस स्टॉक को लेकर जो मेरा टारगेट है वो काफ़ी बड़ा है। फिलहाल जो मेरा फर्स्ट टारगेट है ये है लाइफ टाइम हाई और यहाँ के लिए इस स्टॉक को मैं होल्ड कर रहा हूँ। अगर आप IRCTC पे जाकर और सर्च करोगे तो IRCTC पे मेरे बहुत सारे वीडियो निकल कर आ जाएंगे, आप वहाँ से देखना कि मैं इस स्टॉक को क्यों बाई कर रहा हूँ। और जो मेरे टारगेट होते हैं ना वो होते हैं सेम। मैंने 4 महीना पहले, 5 महीना पहले, काफ़ी पहले से इस स्टॉक को लगभग 10 महीना पहले भी इसको डिस्कस किया था, तो आप जाकर इन सारे वीडियोज़ को देखना। फिलहाल मैं अपने टारगेट के लिए होल्ड करके बैठा हूँ। अगला स्टॉक है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल। इस स्टॉक में जो मेरी पोजीशन है आप देख सकते हैं, मैं हमेशा एक स्ट्रेटजी के तहत किसी भी स्टॉक को बाई करता हूँ, मैं हमेशा टेक्निकल को फॉलो करके बाई करता हूँ। इस स्टॉक को भी मैंने मल्टीपल टाइम अपने चैनल के ऊपर डिस्कस किया है, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं और ये समझ में आपको आना चाहिए कि मैं अगर किसी स्टॉक को बाई कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, क्या रीज़न है। फिलहाल इस स्टॉक को लेकर जो मेरा टारगेट है, फर्स्ट टारगेट की अगर मैं बात करूँ तो ये जो है पूरा का पूरा राउंडिंग बॉटम 340 के लिए मैं अभी इस स्टॉक को होल्ड करके बैठा हूँ। अगला स्टॉक है आवास फाइनेंस। इस स्टॉक में मेरी पोजीशन आप देख सकते हैं, इस स्टॉक को भी मैंने मल्टीपल टाइम अपने चैनल के ऊपर डिस्कस किया है, तो वहाँ पे जाकर आप सर्च करना वैल्यू इन्वेस्टिंग विथ विनिंग्स और आप जाकर डिटेल में मेरी वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी निचले लेवल से मैंने इसको बाय किया था, मैंने इसमें थोड़ी ट्रेडिंग भी किया है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि मेरी बाइंग ऊपर है, लेकिन मैंने इसको बिल्कुल बॉटम में बाय किया था। जो मेरा बॉटम बाय करने का तरीका है उसका यूज़ करके जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उनको पता है। तो यहाँ पे मेरा जो फर्स्ट टारगेट है इस स्टॉक को लेकर ये है, ये पूरा का पूरा राउंडिंग बॉटम जो टेक्निकली ये टारगेट निकल के आ रहा है। तो इस स्टॉक को मैं यहाँ के लिए होल्ड करके बैठा हूँ और जब तक टारगेट अचीव नहीं होता है मुझे कोई भी जल्दी नहीं है। स्टॉक मार्केट में अगर आप एक स्ट्रेटजी के तहत और सीख कर काम करते हैं तो यहाँ पे पैसे बनते हैं। अनफॉर्चुनेटली लोग स्टॉक मार्केट को सीरियस नहीं समझते, वो लोग यहाँ पे उल्टी सीधी हरकत करते हैं क्योंकि उन्हें ये नहीं पता है कि किस स्टॉक को कहाँ पे खरीदना है, और इसके लिए उनको गुमराह करने वाले बहुत लोग हैं, वो गुमराह हो जाते हैं और अपने पैसे को लूज करते हैं। स्टॉक मार्केट को अगर डिटेल में मुझसे सीखना है, जहाँ पे मैं सिंपल तरीके से आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि किस स्टॉक को कहाँ पे खरीदना है और कहाँ पे बेचना है, जहाँ पे मैं कोई भी इंडिकेटर का यूज नहीं करता, जहाँ पे मैं कोई भी ग्लोबल न्यूज का यूज नहीं करता, मैं सिर्फ टेक्निकल का यूज करता हूँ, पैटर्न को फॉलो करता हूँ, फंडामेंटल को देखता हूँ और उसके बेस पे नीचे खरीदता हूँ। और स्टॉक मार्केट में पैसे बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है, नीचे खरीदना है और ऊपर बेचना है। अगेन अगर मैंने इतनी सारी बातें आपको बोली तो आप किसी भी स्टॉक को बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं समझेंगे। थैंक यू सो मच।